आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट लेयर मैरी केक। इसके लिए हमें चाहिए मैरी गोल्ड बिस्किट, इसके मिक्सचर बनाने के लिए चाहिए 1 कप बटर, इसमें मैंने मेजर करके रख लिया है, 1/2 कप शुगर डालेंगे, 1/2 कप कोको पाउडर, 1/2 कप चॉकलेट पाउडर, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, ये ऑप्शनल है, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ये ऑप्शनल है अब अच्छे से इसको सबको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्मूथ पेस्ट बनेगा, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। लुक वाइज बेटर ऐसा होना चाहिए, स्पून से गिरना नहीं चाहिए फटाफट। बैटर हमारा तैयार हो गया है, फॉइल लगा देंगे। थोड़ा सा बैटर नीचे डाल देंगे। बिस्किट को मिल्क में डिप करेंगे। फिर लेयर लगा देंगे। अभी ये लूज लग रहा है, पर ये सेट होने के बाद में टाइट हो जाएगा। ऐसे ही करते हुए सारे बिस्किट को डीप करेंगे मिल्क में। मिल्क अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए, गरम होने से बिस्किट नरम हो जाएगा। इस तरह सारी लेयर लगा देनी है। इसको ऐसे उठा के इसकी हेल्प से लेटा देंगे। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें चॉकलेट होता है। ये मिक्सचर सब जगह कवर कर देना है, कहीं से बिस्किट दिखना नहीं चाहिए। ये चॉकलेट नट्स है, इसको इस पे डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही फ्रीज में सेट करके फिर इसको 1 आवर के लिए इस पैक करके सेट करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। अभी मैं फ्रीज कर रही हूँ। ये अपने 1 आवर
हो चुका है, अब इसको मैंने फ्रिज से निकाला है। अब इसको कटिंग करेंगे। सेट हो चुका है, देखिए कितनी मस्त लेयर निकल गई है। जिन लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद है वो इसको बहुत पसंद करेंगे। आप भी बना के देखिए कैसा बना, कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तैयार है अपना चॉकलेट लेयर मेरी केक। देखिए लगने में, दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। बस बनाइए। ये अगर बटर मेल्टेड लगे तो हल्का सा फ्रीज में सेट करने के बाद में भी लगा सकते हैं, और इसको 2 दिन तक आराम से फ्रीज में रख के खाया जा सकता है। मैं इसको आपको देखिए है ना, बहुत अच्छा, खाने में भी उतना ही टेस्टी है ये।